आई एम सॉरी, आज मुझे आने में देर हो गई थोड़ी, पर हम जल्दी से कवर अप करेंगे. ओके, वेयर वर वी यस्टरडे? यस, प्रैक्टिस एक्टिविटी. लुक एट दैट, कितनी प्यारी वेडिंग रिंग है. हाँ यार, बहुत प्यारी रिंग है. वो तो होगी, राम कपूर ने जो दी है. मैम, यस, यू नो समथिंग, इस वक्त पूरे शहर में सब लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं. इस साल की सबसे बड़ी शादी, राम वेड्स प्रिया. एक्चुअली मैम, आपकी शादी तो उसी दिन से टॉक ऑफ द टाउन हो गई थी जिस दिन राम कपूर ने आपको प्रपोज किया था. लिटरली अपने घुटने टेक कर, आपका हाथ अपने हाथों में लेकर, इट वॉज सो रोमांटिक. एक मिनट, आज का ये एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए अरेंज किया गया है ताकि तुम लोग अपना सिलेबस पूरा कर सको. और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी शादी का चैप्टर तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं. इसलिए बेटर होगा कि तुम लोग मेरी शादी पे नहीं, अपने सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करो. ओके मैम, सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमें आपकी लव स्टोरी सुननी है. प्लीज मैम, ये कब हुआ, कैसे हुआ, बात सगाई तक कैसे पहुंची, हमें सब सुनना है मैम. प्लीज मैम, प्लीज. अब क्या बताऊं मैंने कि वो तो मिस्टर कपूर की उंगली से रिंग निकल ही नहीं पाई, और ये रिंग माँ ने जबरदस्ती मुझे पहना दी. वरना जिस सगाई को लेकर ये सब इतने एक्साइटेड है, वो सगाई तो कब की खत्म हो चुकी है. तू वीडियो गेम खेलना छोड़ और पहले काम कर. रिद्धिमा, ढंग से काम करो प्लीज. हाँ यार, अगर तुम दोनों का होमवर्क नहीं खत्म हुआ ना, तो मम्मा मेरे को छोड़ेंगी नहीं. विक्रम, एक मिनट. अरे यार, तू इतना बिजी क्यों है? अरे राम अंकल आए. चुप चुप, छोड़ इसको, बात करने तो पापा को. तेरे को क्या हुआ है? परेशान लग रहा है यार. अरे बोल तो सही कुछ. ये क्या पिंग पोंग की तरह इधर से उधर चले आ रहा है यार. क्या कहा तूने? पिंग पोंग. बिल्कुल सही कहा तूने. सब लोग मुझे पिंग पोंग की तरह ही यूज कर रहे हैं. कोई यहां से आके टकक करता है, तो कोई वहां से आके टकक करता है. सब लोग अपनी मुताबिक मुझे चला रहे हैं. कोई ये नहीं पूछ रहा है कि राम बेटा तुझे क्या चाहिए. समझ नहीं आया, साफ साफ बोलना. इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं समझाता हूं. सारी जिंदगी मुझे शादी नहीं करनी थी, नहीं करनी थी ना. उसके बाद परिवार ने प्रेशर डाला मुझ पर, कहा कि मेरी शादी में ही छोटी की खुशी है, तो शादी करने के लिए तैयार हो गया. अरे मेरे तो सगाई भी करी. उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ? तेरे सामने छोटी आई मेरे पास, क्या कहा उसने? कि मैं कार्तिक से शादी नहीं करना चाहता. ठीक है, टक्कर हुआ ना. उसके बाद क्योंकि उन दोनों की सगाई अब टूट चुकी थी, तो मेरी और प्रिया की सगाई का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने अपनी सगाई भी तोड़ दी. अरे प्रिया ने तो लगभग अंगूठी भी मुझे वापस कर दी थी. उसके बाद जब मेरी बारी आई, तो ये अंगूठी उंगली से निकल ही नहीं रही थी, तो आई हैड नो ऑप्शन, प्रिया की अंगूठी उसे वापस दे दी. खैर वो सब छोड़ दो, आगे का सुनो. उसके बाद छोटी मेरे पास आकर क्या कहती, भाई कार्तिक मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं कार्तिक से ही शादी करूं. तो अब क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता. एक और टकक हुआ ना, अब चाहे कुछ भी हो, मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगा, करवाऊंगा ना. ठीक है, तो अब जरा ये बताइए कि मेरी पोजीशन क्या है, मतलब मेरी और प्रिया की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है. क्या मैं एंगेज्ड हूं, क्या मैं एंगेज्ड नहीं हूं? अगर मैं एंगेज्ड हूं तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं एंगेज्ड नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त इतना कंफ्यूज्ड हूं कि अभी इसी वक्त अगर मेरी शादी होती तो मैं वरमाला शायद बंसी काका को पहना देना. प्लीज जरा ये बताएगा तू कि क्या मैं एंगेज्ड हूं या नहीं. अंकल एक मिनट, आपका हाथ बताओ. हा? ये एंगेजमेंट की रिंग है ना. हा? तो फिर आप एंगेज्ड हो. आ जा बेटा, शाबाश. रिद्धिमा, वेरी नाइस. देखा राम, जो बात तेरे को समझ नहीं आ रही ना, बच्चों को समझ आ रही है यार. देख राम, जब तक तेरी उंगली पे वो अंगूठी है ना, तू प्रिया के साथ एक रिश्ते में बंधा हुआ. तेरी एंगेजमेंट पक्की है, अब आगे तू क्या करने वाला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज इस वक्त तू प्रिया से एंगेज है, समझा? हाँ यार, बात तो उसकी सही. तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे कार्तिक से मिलना चाहिए.
इनफैक्ट मैंने उसे बोला है कि मैं उसे आके मिलूंगा. बेटा थैंक यू. हाँ ओके. अरे कहाँ जा रहे? अरे सुन तो. मम्मा, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है. अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ. मम्मा प्लीज दो मिनट. मम्मा ये सब क्या है? आप इस उम्र में भी ये लव फर्स्ट को पढ़ रहे हैं? वेरी गुड मॉम, गुड. पापा, पापा, एक सेकंड. क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है. किसी फैशन शो वगैरह में सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं तो फिर भी मैं खुश. हाँ बेटा वो तो दिख रहा है, लेकिन कोई खास वजह? हाँ है ना पापा, मैं इसलिए खुश हूँ कि फाइनली दी और राम की शादी नहीं. आयशा. ओहो पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो ना. मैंने कहा था ना प्रिया दी इस घर की हीरो है. कहा था या नहीं? मैं चाहती हूँ वो हमेशा इस घर की हीरो रहे. लेकिन बताए क्या, इतने दिन से ना जो कुछ भी हो रहा है उस सब में आप लोग मुझे भूल गए. ये तो कैसी बात कर रही है बेटा, तू भी इस घर की बेटी है, तुझे भला कोई कैसे भूल सकता है? क्या है कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन है बस. हेलो आंटी एग्नी. हाँ जी, मैं शिप्रा शर्मा बोल रही हूँ जी. मुझे एक रिलेशनशिप रिलेटेड सवाल करना था. हाँ जी हाँ जी. हाँ देखिए ऐसा है, एक लड़का है, उसकी सगाई लगभग टूट चुकी है. हाँ और पर वो क्या है, वो अपनी अंगूठी सगाई की वो लड़की को वापस करने के मूड में नहीं है. तो आप मुझे बता सकती हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देख रहे हो ना, ये वही मामा है जो मेरे गाल पर एक पिंपल आता था तो पूरा घर सर पे उठा लेती. लेकिन अब देखो मुझे इनसे बात करनी है और इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं. दो हफ्तों में सब चेंज हो गया पापा. मैं इस घर में होने के बावजूद भी नहीं, दो हफ्ते पहले मुझे बताया गया था कि राम का रिश्ता मेरे लिए है और मैं रेडी भी हो गई थी. पता है पापा, मैंने पूरी लाइफ में इतने सपने नहीं देखे जितने उस रात में देख लिए थे. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान महल, सब कुछ. और अगले दिन एकदम से सब दीदी को शिफ्ट हो गया. आई मीन आई एम हैप्पी फॉर हर पापा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा. पहले मेरे मॉडल बनने पे प्रिया दीदी की शादी डिपेंड करती और अब उनकी वजह से मेरा करियर, सब कैलकुलेशन चेंज हो गई है पापा. एक बड़े घर की बेटी इस घर में आ रही है, सब खुश. प्रिया दीदी बड़े घर में जा रही है, सब खुश. लेकिन आयशा कहाँ है पापा? आयशा तो कहीं नहीं है ना. वही आयशा जिसके मॉडलिंग पर सब सब घर की नजर थी, वो आयशा जिसके जिसके करियर पे पूरा घर डिपेंडेंट था, वो आयशा है ही नहीं कहीं. अमीर दामाद और अमीर बहू में गरीब घर की गरीब बेटी बहुत पीछे छूट गई. नहीं पापा, मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, शायद आपसे और मामा से भी ज्यादा. और मैं चाहती हूँ दीदी हमेशा खुश रहे, उन्हें सारी खुशियां मिले. और अगर वो मेरी वजह से मिले ना तो मुझे बहुत खुशी होगी. पता है आज मैं रियली बहुत खुश हूँ कि दीदी का रिश्ता टूट गया. वैसे भी बाप वो शादी समझौते की शादी थी, दीदी खुश नहीं थी उसमें. वो तो सिर्फ कार्तिक और नताशा के लिए दूसरा सैक्रिफाइस था. देख से देखना पापा, मैं एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनूं और अपनी दीदी की लाइफ सेट कर दूं. एक सुपर मॉडल की बहन होना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, देख लेना. और फिर वो जो शादी होगी ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दीदी की मर्जी से होगी, उनकी खुशी से होगी. और ना ही वो शादी किसी मिस्टर राम कपूर के फैसले पे डिपेंडेंट होगी. शायद तो सही कह रही है, शायद राम कपूर हमारी प्रिया के लिए बना ही नहीं है. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता बने, क्योंकि फिर से एक बार प्रिया की शादी का टूटना और उस दर्द में से उसका गुजरना, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा. अब समय आ गया है कि प्रिया को वो सारी खुशियाँ मिले जो वो डिजर्व करती है. मैं जानती थी आप यही कहेंगी. अगर एक लड़का
अपनी सगाई की अंगूठी लड़की को वापस नहीं करता है तो इसका मतलब उस लड़की से प्यार करता है ना? तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो कार्तिक? नजरें वो लोग चुराते हैं जिनके मन में चोर होता है। अगर तुम सही हो तो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। सर मेरे मन में कोई चोर नहीं है। क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? हाँ बहुत। क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि जो हुआ वो फिर से नहीं होगा? सर जो हुआ वो शायद बिल्कुल ना होता अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस मांगा है। एक्सक्यूजेस नहीं, जो हुआ भूल जाओ। आगे वाले कल के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर कार्तिक शर्मा, कैन यू प्रॉमिस मी कि जो उस दिन हुआ वो फिर कभी नहीं होगा? यस सर, आई प्रॉमिस। कार्तिक, छोटी सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी बच्ची है वो, मेरी सारी जिंदगी है। मेरे साथ कोई कुछ भी करे ना, मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन छोटी के साथ कोई कुछ करे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मेरी अमानत समझ के उसकी देखभाल करनी पड़ेगी तुम्हें। सर मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं, मैं जरूर उसकी देखभाल करूंगा। तुम दोनों की शादी जरूर होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। तुम जाओ, छोटी से मिलो, उससे बात करो, तुम दोनों के बीच जो भी कड़वाहट है उसे मिटा दो, और मैं जाके तुम्हारे परिवार वालों से बात करता हूं। ऑल द बेस्ट। हाय प्रिया। हाय। मैंने सुना फिर से एंगेजमेंट। आई मीन एक्चुअली सुन के बहुत बुरा लगा ना, बट इट्स ओके अश्विन, एंगेजमेंट ही टूटी है, कोई मर नहीं गया जो तुम्हें इतना बुरा लगा। नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट। फैक्ट मुझे बुरा नहीं लगा, कहीं ना कहीं बेटर फील हुआ, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ जुड़ते हुए देखकर मैं। लेकिन तुम तो मुझसे कहते थे अश्विन कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आई शुड मूव ऑन। कहा था कई बार इंसान ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बोल जाता है, कभी गिल्ट की वजह से, कभी कभी किसी मजबूरी की वजह से। और जहां तक हम दोनों का सवाल है प्रिया, तो मैं जानता हूं कि हमारे मामले में हमेशा गलती मुझसे हुई, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारी फ्रेंड से शादी कर ली, फिर लगा कहीं ना कहीं तुम मुझे कोसती हो, बेशक कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगती होगी, इसीलिए शायद खुद को बचाने के लिए मैं तुम्हें सेटल देखना चाहता था। लेकिन मैं भी इंसान हूं, तुम्हें किसी और का बन के किसी और के साथ खड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं भी तो इंसान हूं अश, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि जब तुमने मुझे छोड़कर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड का हाथ थाम लिया था तो मुझे कैसा लगा? कैसे बर्दाश्त किया होगा मैंने, नहीं सोचा था ना आज। बट स्टिल मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा आज लग रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर। मैं
सोच भी नहीं सकती थी अश्विन कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। दुनिया में कौन स्वार्थी नहीं है प्रिया, तुम में ताकत थी, तुमने मेरा किसी और का हो जाना एक्सेप्ट कर लिया, जिंदगी में आगे बढ़ा, लेकिन मुझ में आज भी इतनी ताकत नहीं है। अश्विन, शादीशुदा होते हुए तुम ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? श्रुति के साथ शादी एक समझौता थी प्रिया, कहीं ना कहीं मैं आज भी ये चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं और तुम। प्लीज, मुझे चिढ़ हो रही है तुमसे, तुम्हारी इन बातों से, और इतनी चिढ़ मुझे तुमसे तब भी नहीं हुई थी जब तुमने मुझे छोड़ा था। अश्विन, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो मान जो इज्जत थी ना अश्विन, आज सब खत्म हो गई। क्या लगता है तुम्हें कि मैं अकेली हूँ, शादी की मेरी उम्र बीत चुकी है, तुम्हें एक शादीशुदा आदमी के साथ। प्लीज प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अश्विन, मैं सोचती थी कि तुम मेरे दोस्त हो, हमारा रिश्ता टूट गया लेकिन दोस्ती नहीं, मुझे लगता था तुम मेरे हमदर्द हो अश्विन, मेरे दुख से तुम्हें दुख पहुंचता है, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, बट आई वाज रॉन्ग, तुम तो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे अश्विन कि कब प्रिया अकेली होकर बिल्कुल टूट जाएगी और मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। यू नो समथिंग, यू आर सिक, यू आर रियली सिक। हो सकता है, हो सकता है कि आई एम सिक, लेकिन ये भी तो सच है कि तुम अकेली हो प्रिया, तुमसे यह अकेलापन सहा नहीं जाएगा, और तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ओके, आई नो कि आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो जो एक पति दे सकता है। Enough, 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 enough. तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी और किस चीज से नहीं, और किस अधिकार से तुम्हें जो वो सब कुछ देना चाहते हो? शर्म होनी चाहिए तुम्हें अपनी सोच पर, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहिए। उसमें बुराई क्या है? I promise, trust me, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अश्विन, please stop it. मेरे रिश्ते का मान नहीं रख सके तो कम से कम श्रुति के साथ अपने रिश्ते का तो मान रखो। अश्विन, you married to her. मैं श्रुति के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय हो। और प्रिया, मेरे सिवा तुम्हें कौन संभाल सकता है? अश्विन, कम ऑन प्रिया, राम ना कभी तुम्हारा फ्यूचर था ना कभी हो सकता, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं प्रिया, और मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। आप ये रिंग वापस करने आए ना, ठीक है दीजिए जल्दी से और ये किस्सा खत्म कीजिए, मुझसे भी अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, मैं अंगूठी वापस करने नहीं आया हूँ, एक्चुअली छोटी और कार्तिक का पैचअप हो गया है, उन दोनों की शादी अब हो रही है। और इस वक्त मेरी माँ तुम्हारी माँ से बात कर रही है हमारे रिश्ते के बारे में। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत अजीब है मेरे लिए भी, लेकिन क्या है ना, वो मेरे परिवार वाले सब कह रहे हैं कि हम दोनों की सगाई हुई क्योंकि उन दोनों की सगाई हुई, फिर जब उन दोनों की सगाई टूट गई हमारी सगाई भी टूट गई, अब उन दोनों की सगाई फिर से टूट गई है तो हमारा रिश्ता भी। आई एम सॉरी, आप लोग शायद कुछ बात कर रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, आई एम सो सॉरी। हम कभी मिले नहीं, आई एम अश्विन, प्रिया का दोस्त। हाय, आई एम राम। माय फियांसे।
आप लोग अगर बात कंटिन्यू करना चाहते तो मैं चले। नहीं, इट्स ओके, हमारी बात तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है ना अश्विन। या ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज मी। नहीं, एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ। क्या लगता है आपको कि मैं क्या हूँ? हाँ? क्या लगता है आपको कि मैं क्या हूँ? मतलब कठपुतली समझ रखा है क्या आपने मुझे, जिसे आप जब चाहें जैसे चाहें अपनी उंगली के इशारे पे नचा सकें? मैंने ऐसा कब कहा? यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप कुछ कहते नहीं, बस कर देते जो आपको सही लगता है कर देते। आपको लगता है शादी करनी चाहिए तो हाँ, आपको लगता है शादी नहीं करनी चाहिए तो ना। आपने कभी ये सोचा कि आपके इस बदलते हुए फैसले से मुझ पे क्या असर पड़ेगा? अमित, जिसका जब मनाया रिश्ता जोड़ लिया, जब मनाया रिश्ता तोड़ लिया, और मेरी छोड़िए, कभी आपने ये सोचा कि आपके इस रोज रोज की हाना हाना से मेरी फैमिली पे क्या बीत रही होगी? समझ सकते हैं आप रो क्यों रही हैं? आप प्लीज आप रोइए मत। लिसन सीरियसली, आई कांट हैंडल दिस। आप मेरी शुरुआत से एक प्रॉब्लम है, सब जानते हैं कि जब जब छोटी की खुशी के बारे में सोचता हूँ तो बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। I'm sorry, मैं गधा हूँ, मैं वाकई गधा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप प्लीज रोइए मत। मैं आपके पेरेंट्स से बात करने जाता हूँ अभी, इसी वक्त। रहने दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, क्यों? मैं बता दूंगी उन्हें। लेकिन इट्स माय ड्यूटी। नो प्लीज, लेट इट बी, आई विल गो एंड टेल देम। मैं मैनेज कर लूंगी अपनी फैमिली को। नहीं लेकिन आई एम सीरियस, ये लिफ्ट अगर नहीं चल रही है ना तो मैं सीढ़ियों से भी चले जाऊंगा। रहने दीजिए, इट्स ओके। वैसे भी यहाँ से लेकर मेरे घर तक कुछ 64 सीढ़ियाँ हैं। कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। एंड आई एम श्योर आज तो आप अपनी वो बहुत सारी टैबलेट्स भी नहीं लाए होंगे। आपको कैसे? बट मैं मैनेज कर लूंगा। आई एम टेलिंग। नो, इट्स ओके। मैं बोल रही हूँ ना, इट्स ओके, मैं बता दूंगी उन्हें। तो कल मिलते हैं जी। कल लिफ्ट चलेगी ना? आई होप सो। लेकिन अगर कल भी लिफ्ट काम नहीं कर रही होगी तो फिर मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ना आपका अवॉइड नहीं कर पाऊंगी। 64? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। राम का और तेरा रिश्ता जुड़े, इसलिए कार्तिक और नताशा पास आए, उनमें प्यार हुआ, और इसके कारण तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.